पास में आयोजित हुआ निशुल्क स्वास्थ्य शिविर। आपको बता दें कि जीवन ज्योति हॉस्पिटल मल्टी केयर एवं ट्रावा सेंटर भोपाल के द्वारा रविवार को ग्राम करणवास में निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजित किया गया, जिसमें भोपाल के सुप्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा इस शिविर में मरीजों की निःशुल्क जाँच की गई और सभी मरीजों को आवश्यक अनुसार निःशुल्क दवाई वितरण किया गया। इस शिविर में 200 से अधिक मरीजों की निशुल्क जांच एवं दवाई वितरण की गई। इधर ग्रामीण मरीजों ने जीवन ज्योति हॉस्पिटल की टीम का आभार प्रकट किया, जिन्होंने गांव में आकर निशुल्क जांच की और दवाई वितरण की। मंडावर से होकम प्रजापति की रिपोर्ट। आज यहाँ पे हमारे जीवन ज्योति हॉस्पिटल मुबारकपुर चौराहा नरसिंह रोड की तरफ से निःशुल्क कैंप रखा गया है, जिसके अंदर करणवास क्षेत्र के और आसपास के सभी गांव के जितने भी लोग हैं, वृद्धाजन हैं या अपनी माताएं बहनें हैं, सभी के लिए निःशुल्क कैंप रखा गया है। इसमें हमारी तरफ से लोगों का सभी बीपी, शुगर, पल्स, साथ में ECG और शुगर की जाँचें की जा रही हैं और हॉस्पिटल प्रबंधन की तरफ से दवाइयों का वितरण किया जा रहा है, जो कि पूरे तौर निःशुल्क है। क्या संदेश है ग्रामीणों के लिए? ग्रामीणों के लिए ये संदेश है कि अभी आने वाले समय पे डेंगू की बीमारी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। डेंगू, चिकनगुनिया, ये समय रहता है उसका, तो हमारा कहना ये है कि वो पूर्णतः स्वस्थ रहें, स्वस्थ भोजन लें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने आसपास किसी पर गंदा पानी इकट्ठा ना होने दें और जितना हो सके वो मास्क का उपयोग करें, एक दूसरे से थोड़ी दूरी बनाए रखें, क्योंकि अभी भी हमारा देश कहीं ना कहीं कोरोना से प्रभावित है और कई क्षेत्र अभी भी कोरोना से प्रभावित चल रहे हैं। तो मेरा मानना यह है कि एक दूसरे से काफ़ी दूरी बना के रखें जितना हो सके और साफ़ सफाई का पूर्ण रूप से ध्यान रखें।